जबलपुर में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाओं को मास्क बनाने के लिए कपड़ा वितरित किया गया था। महिलाओं ने कड़ी मेहनत कर करीब 11,000 मास्क तैयार किए, जिन्हें कैंट विधायक द्वारा नगर निगम आयुक्त को भेंट किया गया। कोरोना काल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की अपील की थी, जिसका मध्य प्रदेश में खासा असर देखने को मिल रहा है। इसी के चलते संस्कारधानी जबलपुर में रांझी विधायक अशोक दास रोहाणी के द्वारा जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाओं को मास्क बनाने के लिए कपड़ा प्रदान किया गया था। महिलाओं ने कड़ी मेहनत कर करीब 11,000 मास्क तैयार किए, जिन्हें कैंट विधायक अशोक दास रोहाणी के द्वारा नगर निगम कमिश्नर को भेंट किया गया। मास्क बनाने वाली इन महिलाओं को नगर निगम की तरफ से मेहनताना दिया जाएगा। बहुत शानदार मास्क बने आपको दे रहे हैं, इसकी कास्ट लेकिन 11 रुपए से ज्यादा की, आप 11 ही दोगे, लेकिन 11 ही दोगे। अभी तो 11,000 दिए आप और ले लिए, लगभग 1,00,000 का लक्ष्य है आपको, हमसे 1,00,000 लेना है। अभी 1,00,000 का लक्ष्य है आपको मेरे से लेना। की घड़ी में मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की थी, जिसमें वो मास्क बनाएंगे और वो मास्क प्रशासन को देंगे 11 रुपए के दाम से। हम लोगों ने सभी ने ये प्रयास किया कैंट विधानसभा में कि नगर निगम के प्रयास से और हम सब मिलकर उनको कपड़ा प्रदान करें, और हम सब ने पहले उनको कपड़ा प्रदान किया और उसके बाद उनके आज मास्क बहुत अच्छी क्वालिटी के बनकर हमारे सामने आए। आज हम लगभग 11,000 मास्क नगर निगम को समर्पित कर रहे हैं और उनका पेमेंट हम 2-3 दिन में उन महिलाओं को कराएंगे। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और निश्चित रूप से बहुत अच्छी क्वालिटी के मास्क मातृशक्ति ने बनाए हैं और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्साह के साथ महिलाओं ने मास्क बनाए, और आगे हम लगभग 1,000 मातृशक्ति का लक्ष्य रख रहे हैं कि उनको कपड़ा प्रदान करते जाएंगे और मास्क जमा करके नगर निगम के में जमा करेंगे और उनको उसकी जो मेहनताना है उसकी राशि मिलेगी। समूहों द्वारा जो रजिस्टर्ड स्व सहायता समूह हैं उनके द्वारा ये मास्क जो है माननीय विधायक रांझी के नेतृत्व में ये बनवाए गए हैं। नगर निगम एजेंसी के रूप में उनको खरीद रही है और इसके बाद दुकानदारों को बेचेगी। माननीय कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक दुकानदार अपने यहाँ कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 मास्क रखेगा, और कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के यदि आता है तो उसको तत्काल जो है उसे मास्क खरीदने के लिए देगा और उसका रुपया उसकी सामग्री से काटेगा। और ये 1,00,000 मास्क जो है नगर में न केवल जो है COVID-19 से के संक्रमण को रोकने में मदद करेंगे बल्कि उससे लड़ने में मदद करेंगे और जीवन में जो भय है COVID-19 का उसको दूर करेंगे। शासन की जीवन शक्ति योजना से जहां कोरोना काल में घर बैठे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, वहीं शासन प्रशासन को आसानी से मास्क उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे कोरोना महामारी से लड़ने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।